मॉडल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट हमने जनरली क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस की बात की है हमने इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की बात की है क्लासरूम मैनेजमेंट के अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मॉडल्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के जिनका इस्तेमाल करके हम एक बेहतर मैनेजमेंट को तश्कील दे सकते हैं लेकिन पहले आइए देखते हैं डेट वाई डू वी नीट मॉडल्स डिफरेंट मॉडल्स इन द क्लास पहली बात तो यह है कि टीचर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि जो डिसरप्टिव बिहेवियर है दैट डिस एंड लर्निंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिसरप्टिव बिहेवियर्स मस्ट नॉट अकर इन द क्लास बिकॉज इफ दे अकर इन द क्लासरूम दे नॉट ओनली इफेक्ट वन सिंगल चाइल्ड हु डिसरप्ट बिहेवियर बट इट अफेक्ट दर क्लास रूम एम्बियंस ये जानना बहुत जरूरी है कि जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हैं वो सामने ना आए और उनको जिस हद तक हो सके हम कंट्रोल करें टीचर्स को सीरियसली जो है वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर से ना वो खुद ठीक तरह से पढ़ा सकते हैं और ना स्टूडेंट्स ठीक तरह से सीख सकते हैं तो जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हैं उनको शुरू में ही पकड़ लेना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ

इंटायर लेसन कैन बी वेस्टेड बिल्कुल वेस्ट हो जाता है एट दिसबिवियर सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव पर्सनल फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट हर टीचर जो है वो मैनेजमेंट को मुख्तलिफ तरीकों से देखता है एंड इट इज ओके इट इज परफेक्टली फाइन टू हैव योर ओन पर्सनल फिलोसफी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि जो मैनेजमेंट है दैट शुड बी कंसिडर्ड एंड इम्पॉर्टेंट द क्लासरूम आमतौर पर जैसे हमने पहले बात की जो टीचर्स हैं उनके नजदीक लेसन इज इम्पॉर्टेंट लेसन प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट डिलीवरी ऑफ द कॉन्टेंट इज इंपॉर्टेंट बट वॉट रिसीड्स इज क्लासरूम मैनेजमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो किसी भी टीचिंग एंड लर्निंग का एक अहम हिस्सा है और हर टीचर जो है उसका एक अपना तरीका होता है मैनेजमेंट इश्यूज को सॉल्व करने का हम मैनेजमेंट अप्रोचेस की बात कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि इट इट हैज अ ब्रॉड कैनवस एक अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल से लेकर एक परमिसिव टीचिंग स्टाइल जो है ये एक ब्रॉड कैनवस के ऊपर मुख्तलिफ जो है अप्रोचेज और स्टाइल्स आ जाते हैं जो कि टीचर बरूए कार लाता है मैनेजमेंट इश्यूज को रिजॉल्व करने के लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि टीचर जो है वो इस चीज को देखे और इस चीज को कंसिडर करे दैट मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्लासरूम हैपनिंग स्टूडेंट्स शुड हैल्सो रियलाइज द सेम स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो रियलाइज दैट मैनेजमेंट इज अ बिग इश्यू इन द क्लासरूम एंड दे शुड बिहेव इन द मोस्ट पर्टनेंट मैनर टू हैव इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग गोइंग ऑन इन क्लासरूम सो फॉर द टीचर एंड फॉर द स्टूडेंट्स बोथ शुड कंसिडर Classroom management as serious business in the classroom. Only then proper behavior patterns can emerge, only then proper school cultures can be maintained, only then the objectives of the curriculum can be safely maintained if students and teachers realize that classroom management is a huge issue and should be maintained in the classroom. Models of classroom management can. हम इन मॉडल्स के ऊपर तफसीली बात करेंगे लेकिन अभी यहां मैं आपको बताते चलूँ कि कितनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं जिन पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो हम इसटिव डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे ये एक मॉडल है जिसके बारे में हम तफसली बात करेंगे दूसरा लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस दिस इज अनदर मॉडल ऑफ क्लास रूम मैनेजमेंट इसके अलावा टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग दिस इज अनदर मॉडल ऑफ क्लास रूम मैनेजमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से तीन बुनियादी मॉडल हैं जिनके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे